उसको लेकर लोगों में भड़कम मच चुका है और उसी के द्वारा परिवहन विभाग में लंबी कतार आप देख रहे हैं। ये परिवहन विभाग है सासाराम का, जहाँ पर लोगों ने लंबी कतार लगाए बैठे हैं अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाने के लिए, अपनी गाड़ियों का पेपर मजबूत करने के लिए। हम बात करते हैं उन लोगों के साथ, कुछ मजबूरियाँ भी हैं, कुछ परेशानियाँ भी आ रही है, लंबी कतार है, काउंटर एक से दो ही खुला रहता है, जिससे उन्हें कुछ समस्या रहती है। हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या समस्या आपके साथ है? समस्या हम 3 दिन से आ रहे हैं, लाइन में खड़े होते हैं, फिर लौट कर चले जाते हैं, फिर भी हमारा रसीद नहीं कट पा रहा है। हमारा घर जो है 7 किलोमीटर दूरी पर है। इसके बाद सरकार को चाहिए कि काउंटर बढ़ाया जाए और दिन भर सुबह से शाम तक व्यवस्था किया जाना चाहिए। काउंटर बात बढ़ाने की बात हो रही है, भैया और है मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या समस्या आपके साथ? समस्या हम लोग कहें कि आए हम लोग तेल बनाने के लिए, इतनी भीड़ है कि हम लोग 10 दिन से आते हैं चले जाते हैं, इतनी भीड़ है कि भीड़ का हम लोग समस्या समाधान नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि एक दो काउंटर और बढ़ा दें, समस्या हो कहीं शिविर लगा दिया जाए, सभी लोग फाइन के भुक्तभोगी हो रहे हैं। चाचा आप क्या बोलते हैं, अधिनियम जो लागू हुआ है नियम नियम में उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा समय देना चाहिए था, टाइमिंग टाइम नहीं देना चाहिए, एक मिनट देना है कि अंदर में आपको हो रही है, इसके बाद में जो है आपको फिर उसकी पढ़ाई की जाए, सड़क पढ़ाई करने के लिए सारा मामला आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं भैया, आप क्या चाहते हैं? सरकार को चाहिए कि हर पंचायत में या ब्लॉक में काउंटर लगवा दे, लोगों को सुविधा दे, आने जाने में खर्चा हो रही है, एक बार में काम नहीं होता, 10 बार आते हैं, 5 बार आते हैं, फिर भी यहाँ सुविधाएं नहीं है, इसलिए सरकार को यहाँ के पदाधिकारी को जनता को सुविधा देनी चाहिए। ये देखा जाए तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, काउंटर बढ़ाने की बात आ रही है, जो पूरे जिले के परिवहन में सासाराम में लोग आते हैं अपने पेपर मजबूत करने के लिए, तो इन लोगों की मांग है कि प्रखंड स्तर पर भी काउंटर खोला जाए, जिससे सूरी लगाकर भी इस समस्या को दूर करें, परिवहन की बात पेपर मजबूत करने के लिए लोगों में डर सी भी है, क्योंकि पूरे जिले में चेकिंग अभियान लगा दिया गया है, सभी थाने अपने चौराहों पर चेकिंग भी किया जा रहा है, उसके तहत लोग कहीं पकड़ा ना जाए, उसके डर से लोग अपने पेपर अब मजबूत कर रहे हैं। सासाराम से मैं अमित अजय भारत के लिए। जानना चाह रहे हैं कि सर कि ये लगातार जो नए एक्ट बना है सर, तो उसमें सर क्या सर मतलब मामला क्या है सर, कैसे मतलब पब्लिक को चेकिंग करें क्या है? नए नियम को इन्फोर्स करना है और इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो नियम है उसको लागू करवाना है। सबसे बड़ी है लोगों की सुरक्षा, इसके लिए हेलमेट बांधना है सभी को, जो नहीं लगाते हैं उसकी चेकिंग हो रही है, फोर व्हीलर में सीट बेल्ट की चेकिंग हो रही है, पोल्यूशन नहीं रहता है उससे पर्यावरण को खतरा है उसके लिए पोल्यूशन की चेकिंग हो रही है। सर अचानक जो सर चेकिंग का नियम आ गया सर, पोल्यूशन का आपके यहाँ भी दफ्तर में लगातार भीड़ लगा है, तो उस पर सर कितना जल्दी आप लोग निष्पादन कर रहे हैं क्या सर? ड्राइवर लाइसेंस के लिए काफ़ी भीड़ हो रही है, ड्राइवर लाइसेंस में हम लोग 2 काउंटर कर दिए, पहले एक था, तो 2-3 घंटे में निष्पादित हो जाता है और 2-2.5 सौ डेली लग रहा है 4-5 दिन से, तो हम लोग शाम शाम तक 4 बजे तक 4:30 तक क्लियर कर देते हैं। क्या ये सर चेकिंग रोजाना लगती है क्या सर? चेकिंग एक संडे को कभी नहीं हुआ, लेकिन लगभग रोजाना ही है, थाना भी कर रहा है और हम लोग भी।